एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में अपन यहाँ पर बात करेंगे जो CBFS T10 लीग का आज के दिन का यहाँ पर मैच नंबर 2 होगा, जो खेला जाएगा SA स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस CSS ग्रुप के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, ये जो वीडियो है ना ये आपको लास्ट तक वॉच करना है। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बात करें यहाँ पर इस मुकाबले की, तो 11:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। रात में मैच खेला जाएगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में। बैलेंस विकेट है तो यहाँ पर बैटर्स और बॉलर दोनों को हेल्प मिलती है। एवरेज स्कोर 80 से 100 बनता है। 27 मुकाबले यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, 12 जीते हैं यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 15 में चेज हुआ है। मतलब थोड़ा सा एडवांटेज है यहाँ पर चेज करने वाली टीम को, लेकिन ज़्यादा फर्क मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। अब आप ये देखो, यहाँ पर जो 27 मुकाबले अब तक हुए ना, उसमें अगर आप देखो तो फर्स्ट इनिंग में 83 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 46 विकेट है। सेकेंड इनिंग में अगर आप देखोगे 72 विकेट फास्ट को और स्पिनर्स को यहाँ पर 47 विकेट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को अच्छी खासी हेल्प मिलती है। अब देखो, पहले बात करेंगे यहाँ पर SSC की टीम की, तो इनकी टीम ने यहाँ पर 4 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं 2 हारे हैं। ओपन करेंगे यहाँ से कमर हुसैन और मोहम्मद इमरान। कमर हुसैन की अगर मैं बात करूँ तो 27 नो डाउट है, 50 नो डाउट है, 19 रन, 0 विकेट है और 6 रन है। तो ठीक ठाक सा इनका रिकॉर्ड है और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बॉलिंग तो उतनी नहीं करवा रहे क्योंकि विकेट कीपिंग भी अभी कर रहे हैं, लेकिन अच्छे प्लेयर है। मोहम्मद इमरान है 15 22 24 2 हैं, ये भी अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं। समी उल्ला खान लास्ट मैच के लिए 0 पर आउट हुए थे। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे 36 5 21 16, ग्रैंड लीग में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। सलमान रंधावा ये अच्छा प्लेयर है क्योंकि ये नंबर 4 पे बैटिंग प्लस उसके साथ 1 से 2 ओवर की बॉलिंग भी दे रहा है। 3 मुकाबले खेला है, 2 विकेट है, बल्ले से 14 नॉट आउट, 13 नॉट आउट और उसी के साथ यहाँ पर 43 रन की इसने यहाँ पर अच्छी खासी नॉक खेली है। नंबर 5 पर यहाँ पर आएंगे सैयद मखदूम, जिन्होंने पहले मैच में देखो 0 रन किया था, बॉलिंग नहीं करवाई थी। दूसरे मैच में इन्होंने 5 रन किए, 7 के 7 इन्होंने 2 ओवर डाले जिसमें इनको 1 विकेट भी मिला था। तो अगर ये बॉलिंग भी करवाते हैं तो अच्छे पिक बन सकते हैं। सैफुल्ला नूर देखो 3 मैच में यहाँ पर 5 ओवर डाले, विकेट लेस हैं, लेकिन ये जो बंदा है ना डेथ में बॉलिंग करा रहा है। तो अगर इनकी टीम यहाँ पर पहले बॉलिंग करती है तो आप इसके साथ जा सकते हो। हरीश खान है 1 ओवर डाला, विकेट लेस थे ये। कामरान यार हैं, इनके नाम अगर आप देखो 4 मैच में 4 ओवर डाल के 1 विकेट है और इनको भी लास्ट मैच पे बॉलिंग नहीं मिली थी। हालांकि इनका सिलेक्शन रेट बहुत हाई है, लेकिन सिर्फ 1 विकेट है इनके नाम 4 मैच में और बॉलिंग लास्ट मैच में तो मिली भी नहीं थी इनको। शोएब खतक है यहाँ पर 3 मैच में 4 ओवर डाल के 1 विकेट है। सनी आजम है, इनके नाम 3 मैच में 2 विकेट है। तो यहाँ से अभी के लिए टीम में रखेंगे कमर हुसैन को, रखेंगे टीम में मोहम्मद इमरान को, टीम में रखूंगा मैं इनके अलावा सलमान रंधावा, और नीचे अगर चलूँ तो सैफुल्ला नूर को मैं अभी के लिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चलो इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी इस वजह से। बाकी मैं यहाँ पर नीचे से सनी आजम को टीम में रख रहा हूँ। बेंच पर काफ़ी सारे प्लेयर हैं, इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ओवर डालेंगे एस खतक, एस नूर, एम सखलेन। डेथ में यहाँ पर आएंगे एस नूर, एस मखदूम, एस आजम। सामने जो टीम है उसकी अगर यहाँ पर बात करूँ मैं तो CSD की टीम है, 5 में से सिर्फ 1 मुकाबला यहाँ पर हारी है और 4 मुकाबले जीती हैं। ओपन करेंगे जोएब खान, रंजित मानी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। जोएब खान के नाम अगर आप देखो 24 41 नो डाउट, 1 23 35, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। रंजित मानी के नाम अगर आप देखो तो 5 मैच में पूरे 10 ओवर डाल के 5 विकेट हैं और बल्ले से 0 16 0 6 1 हैं। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। आकिब फजल 15 और 8 के हैं, ठीक ठाक सा ही रिकॉर्ड है। अभिराम ऋत्विक को अगर आप इनके टीम पहले बैटिंग करें पिक कर सकते हो, 13 है 8 है 2 है 25 नो डाउट है, 1 अच्छी पारी है 5 मैच में इसके नाम। मोहम्मद उजैर खान आपकी टीम में बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि नीचे आके हिटिंग भी देता है, साथ के साथ 2 ओवर भी देता है। लास्ट के जो 4 मैच इसने खेले उसमें 8 ओवर डाल के 1 विकेट, बल्ले से 11 नॉट आउट, 8 नॉट आउट, 10 नॉट आउट और 10 है। रोजित गणेश 2 5 36 11 5 है, बैटिंग काफ़ी नीचे की थी लास्ट मैच में तो अभी मैं छोड़ के चलूंगा। मोहम्मद हफीफ है 16 नो बैटिंग, 0 6 है।
विमलंदा पीवी हैं, इनके नाम अगर आप देखो तो 5 मुकाबलों में 7 विकेट हैं। स्पिनर है बहुत अच्छा। गिहान चतुरंगा के नाम यहाँ पर 5 मैच में 5 विकेट है और बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग करवाते हैं, एक ओवर पावर प्ले में ज़रूर डालते हैं। निपन बाबू हैं, इनको देखो हर मैच में बॉलिंग मिलना कंफर्म नहीं है, 5 मैच में 5 ही ओवर डाले जिसमें 2 विकेट हैं, तो अगर रिस्क ले रहे हो तो पिक कर सकते हो। बाकी अभी छोड़ के चलूंगा मैं। अहमद फर्जीन को 2-2 ओवर मिले हैं सिर्फ एक मैच को छोड़ के, 5 मैच में 9 ओवर डाल के इसके नाम 6 विकेट है, अच्छा प्लेयर है ये। तो यहाँ से अभी के लिए पिक करूंगा मैं, जोएब खान को रखूंगा, रंजित मानी को रखूंगा, नीचे से मैं मोहम्मद उजैर खान को टीम में रखूंगा, विमलंदा पीवी को मैं टीम में रखूंगा, और अगर और नीचे मैं यहाँ पर जाऊँ तो मैं गिहान चतुरंगा को टीम में रखूंगा और अहमद फरजीन को भी टीम में रखूंगा। बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले स्टार्ट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे मोहम्मद उजैर खान, अहमद फरजीन, गिहान चतुरंगा, डेथ में आएंगे मोहम्मद उजैर खान, गिहान चतुरंगा, रंजित मानी। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेमो टीम मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हो, वीडियो के टाइटल में जाना, मोर पर क्लिक करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर भी आपको सबसे पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसी के साथ चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, उससे मोटिवेशन बढ़ता है। अभी देख लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम। डेमो टीम में यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है मैंने मोहम्मद इमरान को, बैटिंग सेक्शन से रखा है मैंने मोहम्मद जोएब खान, कमर हुसैन, और उनके साथ यहाँ पर सलमान रंधावा को मैंने टीम में रखा है। जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से, तो यहाँ से मैंने रंजित मानी, गिहान चतुरंगा, मोहम्मद उजैर खान को टीम में रखा है, और नीचे से बॉलिंग सेक्शन से विमलंदा पीवी, सनी आजम, सैफुल्ला नूर और अहमद फरजीन को मैंने यहाँ पर टीम में रखा हुआ है। कैप्टन मेरे रंजित मानी, वाइस कैप्टन मेरे मोहम्मद उजैर खान है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम जो भी रहेगी वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।